नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टॉक की जिसका नाम है PTC इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, आप जैसे व्यूवर हैं उनकी रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। काफ़ी टाइम से इनकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। BSE और NSE दोनों को इन्फॉर्म किया, यहाँ पर फंड रेज करने जा रहे हैं लगभग इन लोग 700 करोड़ रुपये का। तो क्या कुछ न्यूज़ है उस पर चर्चा करेंगे, और अच्छा खासा भाग चुका है गाइस। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एक्जैक्टली सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बचे रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे। यहाँ पर अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह मैं शेयर करता हूँ, और इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। खूब सारे पेन स्टॉक्स का मैंने एनालिसिस किया, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो ओवर हो चुकी है, और यहाँ पर इन्होंने 700 करोड़ रुपए फंड इकट्ठा करने के लिए, यानी कि रेस करने के लिए यहाँ पर जो बोर्ड वगैरह है वो गठित कर दिया है। और यहाँ पर किसके थ्रू इकट्ठा किया जाएगा इतना पैसा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए। तो यहाँ पर ये बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड डिटेल दी हुई है कि यहाँ किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें करने वाली हैं। कुल मिला के जो मेन मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 700 करोड़ रुपये फिलहाल ये फंड रेस करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 14,545 रुपये का शेयर है अभी, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये 0.05% डाउन चल रहा है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है गाइस, क्योंकि मैं रनिंग मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे हो। फिलहाल किसी भी ग्रुप में नहीं है, ना ASM में है, ना GSM में है, और ना ही ESM में है। ESM का तो खैर टेंशन भी नहीं है। प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 10% का आपको प्राइस बैंड देखने को मिलता है। कामकाज की बात करेंगे तो यहाँ पर PTC इंडस्ट्री लिमिटेड मैन्युफैक्चर मेटल कंपोनेंट्स फॉर क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, ऑयल एंड गैस, LNG, शिप्स एंड मरीन। तो इन सब के लिए जो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे रिलेटेड जो है मेटल कंपोनेंट जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज इनके पास है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 21,011 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। ROC की बात करेंगे तो 10.9 देखने को मिल रहा है, बढ़िया है। ROE की बात करेंगे तो 9.23, ठीक है। जनरली दोनों 15% से ऊपर हो तो ठीक माने जाते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 63% है, बहुत अच्छा है, कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं, ये भी ठीक है। डेट की बात करेंगे तो 182 करोड़ का है, बिल्कुल आप इसको डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी 0.28 देखने को मिल रहा है, तो हालांकि इनके पास रिजर्व भी अभी हम देखेंगे हैं ठीक ठाक। और हाई और लो की बात करते हैं तो 3,804 रुपये का लो लगा था और 15,702 का हाई लगा था, फिलहाल अभी चल रहा है 14,550 पे। इंडस्ट्री का P/33 वहाँ से आपको काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है, 498, बुक वैल्यू 447, वहाँ से भी आपको बहुत महंगा देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है 677, वहाँ से भी आपको बहुत महंगा देखने को मिलता है। अच्छा, फेस वैल्यू आपको 10 देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब अभी फिलहाल ये स्प्लिट वगैरह नहीं हुआ है। यहाँ पर बात करें क्वार्टरली नंबर्स की, तो सारी वैल्यू करोड़ में, सेल्स की अगर आप लोग बात करेंगे तो 62, 72, 58, 55 और 72, तो यहाँ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको एक 55 से 72 जंप देखने को मिलता है। मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्जिन 30, 28, 27, 28, 30, तो मार्जिन यहाँ पर अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 9 से 15 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्च वाले नंबर्स हैं, अभी जून वाले नहीं आए हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 8 से 15 ऑलमोस्ट डबल, तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया जंप देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर FII आप देखिए जबरदस्त, दिसंबर से मार्च में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाया, 3.82% हो गया है। DIIs भी देखेंगे तो DIIs ने अपनी थोड़ी सी कम करी होल्डिंग, तो 0.46 से 0.42 हो गया। प्रमोटर्स अगर आप देखेंगे तो दिसंबर से मार्च वाले क्वार्टर में अच्छे खासे कम हुए हैं, 66.96 से 62.95% इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। और लास्ट में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर से कन्फ्यूज मत होइएगा। बाकी बचा हुआ मामला जो फिलहाल पब्लिक के पास है 32.79%। रिटर्न की बात करेंगे तो रेट में 142, 1 वीक में माइनस, 1 मंथ में माइनस, 3 महीने में 94, आपकी कैपिटल को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, 6 महीने में 109 और 1 साल में 262% के रिटर्न दिए हैं। वॉल्यूम बात करें तो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 7,000 का वॉल्यूम, उससे पहले 30,000 का, 1 वीक के एवरेज 21,000 का, 1 मंथ के एवरेज 23,000 का है। बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो यहाँ पर 50% के आसपास यहाँ पर आपको 1 मंथ और 1 वीक एवरेज और 50% के आसपास डिलीवरी उठाई जा रही है। यहाँ पर गाइस 2020 में अगर आप देखेंगे इसको 2021 के करीब, तो ये 200-300 रुपये का लगभग शेयर हुआ करता था, और वहाँ से आप देखिए 14,565 रुपये का शेयर हो चुका है। यहाँ पर एक बढ़िया आपको फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है, और यहाँ से आपको फर्दर अपसाइड भी देखने को मिल सकता है, और 16,000 एवं 17,000 का भी लेवल एक बार दिखा सकता है। लेकिन गाइस RSI की बात करेंगे फिलहाल तो 66.84 देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से गाइस शेयर बहुत महंगा है, आपने पीछे फंडामेंटल भी देखे, और मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट देखिए मेरे पर्सनल व्यू हिसाब से बोलता हूँ, गलत होने का अधिकार मैं रखता हूँ, मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा उचित नहीं लगता है मुझे। बाकी आपकी इच्छा गाइस, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी यूट्यूबर चाहे कोई भी हो, आप किसी की भी सलाह ऐसे तो माननी ही नहीं है, केवल वीडियो देखिए, सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे हम यहाँ पर। मैं कभी भी किसी भी शेयर को बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन कभी भी नहीं देता हूँ। आप मेरा पहला वीडियो उठा लीजिए जब से मैं बना रहा हूँ चाहे आज का, मैं कभी भी किसी शेयर को परचेज करने के लिए नहीं कहता हूँ। मैं इसलिए बहुत सारी जगहों से डाटा आपके लिए लेके आता हूँ ताकि उन सब चीज़ों को आप खुद देखें और खुद अपना एनालाइज करें और खुद समझें। बाकी अगर आपको खरीदना ही है सलाह लेनी तो हमेशा आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ही सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो भी चाहे कोई भी हो, चाहे टेलीग्राम पर आपको कहीं टिप मिल रही कुछ हो रही है, तो इनसे हमेशा आप बचने की कोशिश करिए। तो चलिए, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा, जल्दी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।